हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंड प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंड बॉय। दोस्तों आज मैं आपको सक्सेस के पीछे पागलपन होने के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताऊंगा, जिसे कि वीडियो के अंत में आप ये पता लगा सको कि आखिरकार सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए पागलपन की जरूरत क्यों होती है। और जो कि हम कोई हवा में बात नहीं करते, इसीलिए हम इस वीडियो को पूरी तरह से साइंटिफिक प्रूफ के साथ समझेंगे। दोस्तों साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो चीज हम सोच सकते हैं वो चीज हम रियलिटी में प्रैक्टिकली भी हासिल कर सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि हम हर एक चीज को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारी हर एक इमेजिनेशन को हम सर्च कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी, मगर दुनिया के जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया की सोच से अलग जाकर अपनी सक्सेस को हासिल किया है, वो सब लोग अफर्मेशन का यूज करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये अफर्मेशन है क्या। तो दोस्तों अफर्मेशन एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों अफर्मेशन एक गोल स्टेटमेंट होता है जिसे हम पॉजिटिव इमोशन के साथ रेगुलर फील करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे माइंड की फिक्स प्रोग्रामिंग टूट जाती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जहां पर हमारा माइंड ये बिलीव कर लेता है कि जो भी हमारा सपना है वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी सच हो सकता है। सो बेसिकली अफर्मेशन हमें ऐसी चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट करने में मदद करता है जिस चीज का हम सिर्फ सपना देखते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों इस अमेजिंग अफर्मेशन को प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है वो हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। दोस्तों जिम कैरी एक जेनिटर के बेटे थे। जेनिटर यानी टॉयलेट और कचरा सफाई करने वाला इंसान। जिम की फैमिली इतनी गरीब थी कि उनके पास खुद का घर तक नहीं था। वो लोग एक किराए की वैन में रहते थे। गरीबी की वजह से जिम को अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी, मगर इतनी गरीबी होने के बाद, इतनी तकलीफें होने के बाद भी जिम का ये सपना था कि एक दिन उन्हें हॉलीवुड का एक्टर बनना है। जब वो अपना सपना अपने दोस्तों को बताते थे तो सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे, और अगर रियलिटी में देखा जाए तो वो सब लोग सच ही बोल रहे थे, क्योंकि एक ऐसा गरीब लड़का जिसे दिन में दो वक्त का खाना तक नहीं मिलता था, वो भला हॉलीवुड में एक्टर कैसे बन सकता है। मगर जिम का पागलपन किसी और ही लेवल का था। ये दुनिया वाले उन्हें क्या बोल रहे थे वो उन्होंने कभी सुना ही नहीं। उन्होंने अपनी दिल की सुनी और हॉलीवुड जाने की तैयारी शुरू कर दी। मगर दोस्तों हम सबको ये बात पता है कि सिर्फ सोचने भर से कुछ भी नहीं होता। वही चीज जिम के साथ भी हुई। उन्होंने पूरी दुनिया से अलग जाकर अपने सपनों के पीछे तो चल पड़े थे, मगर उन्हें अपनी मंजिल कहीं पे दिखी नहीं रही थी। उनका मोटिवेशन दिन ब दिन खत्म हो रहा था। हर तरफ से तकलीफें और परेशानी की वजह से उनका एक एक दिन नरक की जिंदगी जैसा लग रहा था। तभी अपने गोल को क्लियर करने के लिए और खुद को मोटिवेट रखने के लिए जिम ने एक अजीबोगरीब तरकीब अपनाई। जिम ने क्या किया कि एक बैंक का चेक उठाया और उस पर अपना नाम लिखकर 5 साल बाद की डेट डाल दी और लिख दिया कि एक्टिंग सर्विसेज के लिए जिम कैरी को $10 मिलियन दिए जाते हैं, और उस चेक को अपने पर्स में रख दिया। और दोस्तों एक ऐसा लड़का जिसे ठीक तरह से खाना तक नसीब नहीं हो रहा था, जिसकी स्कूल भी कम्प्लीट नहीं हुई थी, उसने अपने इस पागलपन को सच मान लिया। और जब वो सुबह उठता था तब वो अपने चेक को निकालता था और अपने आप से आंखों में आंखें डालकर ये पूछता था कि आज मैं ऐसा क्या काम करूं जो मुझे मेरे इस सपने तक पहुंचाएगा। और बस अपने इस पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ जिम एक्टिंग सीखने के लिए निकल पड़ते थे। और पूरे दिन में काम के दौरान जब भी उन्हें ये महसूस होता था कि वो अपने काम से भटक रहे हैं या अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तभी वो अपने उस चेक को निकालते थे और फिर से अपने आप से वही सवाल पूछते थे कि क्या अभी मेरा ये काम इस लेवल तक का है जो मुझे मेरे इस सपने तक पहुँचा सकता है। अगर नहीं तो मुझे और भी ज्यादा फोकस के साथ अपने काम को बारीकी से समझना है, तभी मैं अपने इस सपने तक पहुंच सकूंगा। और इस तरह से जिम कैरी एक जज्बे के साथ, एक जुनून के साथ अपने काम को सीखते रहे, अपने आप को उस सपने के लिए काबिल बनाते रहे, हर दिन खुद को पहले से ज्यादा बेटर बनाते रहे। उनका पागलपन इस कदर बढ़ गया था कि वो दिन रात एक्टिंग की प्रैक्टिस करते रहते थे। उनकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। दुनिया वाले उन्हें ताने मार रहे थे, मगर जिम कैरी रुका नहीं, अपने सपने को अपने सामने रखा और बाकी सब चीजों से ध्यान हटाकर और सिर्फ अपने सपने पे ध्यान दिया। और बस सिर्फ कुछ ही समय के बाद
उनकी एक्टिंग की स्किल इतनी जबरदस्त हो गई थी कि अब उन्हें मूवी में छोटे मोटे रोल्स भी मिलने शुरू हो गए। मगर अभी तक उन्होंने अपना पागलपन छोड़ा नहीं, वो हर दिन अपने आप को बेटर करते रहे। और एक दिन उनकी वर्ल्ड क्लास एक्टिंग को देखकर उन्हें अपनी पहली ब्लॉकबस्टर मूवी मिल ही गई, और वो थी डम एंड डम्पर। जिम की इस मूवी ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया, सब लोग उनकी एक्टिंग को देखकर पागल हो गए। और ठीक 5 साल बाद जिम कैरी को अपनी पहली मूवी के लिए 10 मिलियन का चेक दिया गया अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए। और इसी तरह से जिम कैरी ने ये साबित करके दिखाया कि अपने पागलपन को जिंदा रखकर आप इस दुनिया में इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हो। और दोस्तों एक सच बात बताऊं तो एक पागल इंसान ही इस दुनिया में इस तरह का काम कर सकता है। और सच्चाई ये भी है कि हम सब के अंदर जिम कैरी की तरह ही एक पागलपन होता है, वो फीलिंग्स बाहर भी आती है मगर हम उस फीलिंग को संभाल नहीं पाते, और इसीलिए कुछ समय के बाद हम उस फीलिंग्स को भूल जाते हैं। इस फीलिंग्स को संभालने के लिए ही अफर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अफर्मेशन की मदद से आप उस फीलिंग्स को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रख सको। चलिए दोस्तों अगली साइकोलॉजी को जानते हैं। दोस्तों कहते हैं कि जो इंसान सपने देखता है उसी के सपने पूरे होते हैं। अगर मैं इसे साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहूँ तो जो इंसान सपने देख सकता है वो उसे पूरे भी कर सकता है, क्योंकि जैसा आप सोचना शुरू कर देते हैं, जैसा आप अपने अंदर विचार लेकर आते हैं, वैसा ही आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड बना देगा। तो जब आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये यकीन कर लिया हो कि आपके जो भी सपने हैं वो हकीकत बन सकते हैं, तो वो आपको इतनी पावर देगा, इतनी एनर्जी देगा जो आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। उसके बाद सफलता पाने के नए रास्ते आपको अपने आप ही दिखने लगते हैं, और अगर कोई रास्ता ना मिले तो आप खुद सफलता पाने के नए रास्ते बना दोगे। और दोस्तों मैं ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे आपको एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। दोस्तों ये एक वेलमा नाम की लड़की है, ये एक ऐसी लड़की है जिसने पागलपन की सारी हदें पार करके इस दुनिया को गलत साबित किया है और अपनी किस्मत से लड़कर जिंदगी में सफलता के शिखर को छुआ है। दोस्तों विल्मा हमारे जैसी खुशकिस्मत नहीं थी। खुशकिस्मत इसलिए नहीं क्योंकि विल्मा को 4 साल की उम्र में ही पोलियो हो गया था, वो कभी भी चल फिर नहीं सकती थी। सारे डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे और उनकी माँ को ये साफ साफ कह दिया गया था कि विल्मा कभी भी जमीन पर चल नहीं सकेगी। डॉक्टर्स ने विल्मा की माँ को ये सलाह दी थी कि वो विल्मा के पीछे ज्यादा मेहनत ना करे क्योंकि उसका बचना मुश्किल था। मगर दोस्तों विल्मा की माँ ये बात मानने को तैयार नहीं थी, उन्हें ये विश्वास था कि उनकी बेटी ऐसे नहीं मर सकती, वो जिंदगी जिएगी। विल्मा की माँ भगवान को बहुत मानती थी, इसलिए वो विल्मा को भी भगवान की कहानियाँ सुनाकर जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करती रहती थी। विल्मा की माँ उसे रोज एक ऐसी कहानी सुनाती थी जिसे कि विल्मा को ये प्रेरणा मिलती थी कि भगवान पे विश्वास हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस बात से प्रेरित होकर एक दिन विल्मा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या भगवान हमारी हर विश पूरी करते हैं? हाँ बेटा, तो क्या माँ आपके भगवान मुझे इस दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बना सकते हैं? माँ ने हौसला बढ़ाते हुए उस छोटी सी विल्मा को कहा, हाँ बेटा, अगर मन में सच्चा विश्वास हो और अगर अपने मंजिल तक पहुँचने का जुनून हो तो भगवान हर राहगीर को अपना रास्ता दिखाते हैं। अगर तुम भी भगवान से कुछ मांगोगी तो वो तुम्हें भी रास्ता दिखाएंगे, बस तुम्हें दिन रात एक करके मेहनत करनी होगी और वो भी विश्वास के साथ। माँ की बात सुनकर विल्मा के बदन में मानो कोई बिजली सी दौड़ गई। विल्मा पूरी रात सो नहीं पाई, वो जोश से भर चुकी थी, और सुबह होते ही उसने अपनी माँ से कहकर अपनी पैरों की ब्रेस हटवा दी और सहारा लेकर चलना स्टार्ट किया। विल्मा को बहुत दर्द हुआ, तकलीफें भी हुई, मगर माँ की कही हुई बात उसे अभी तक याद थी। उसे भगवान पे भरोसा था, वो सारे दर्द सहन करती रही और उसकी माँ लगातार उसकी हिम्मत बढ़ाती रही। इसी वजह से विल्मा के सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को इस कदर एक्सेप्ट कर लिया था कि उसे अब हर एक मुश्किल आसान लगने लगी थी, जिसका नतीजा ये आया कि विल्मा 2 साल के अंदर ही बिना किसी सहारे के चलने में कामयाब हो गई। मेडिकल फील्ड में ये एक चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर्स भी ये देखकर हैरान थे कि आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे, कि जो लड़की मरने वाली थी, जो कभी बिस्तर से भी उठ नहीं सकती थी, वो चलने कैसे लग गई, ये सब की समझ से बाहर था। वहीं विल्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके बाद तो मानो विल्मा के सपने को पर ही लग गए। उसने खुद ही दौड़ने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी
और अपने पागलपन और जीत की वजह से उसने अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी की सारी चैंपियनशिप जीत ली और वो चैंपियन बन गई। और दोस्तों आप मानोगे नहीं, मगर विल्मा के कोच ने उसका पागलपन और जुनून देखकर ये पहले ही कह दिया था कि बेटा तुम्हारी इच्छा शक्ति और जुनून देखकर मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस दुनिया में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तुम्हें इस दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। और दोस्तों कोच की बात बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि विल्मा ने ओलंपिक में एक नहीं दो नहीं लेकिन तीन तीन गोल्ड मेडल जीते और इस दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनके दिखाया। तो दोस्तों देखा आपने, ये होता है पागलपन, जुनून, अपने सपने को पूरा करने का जुनून। विल्मा के इसी जुनून और पागलपन ने उसे एक अपाहिज लड़की से निकालकर दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बना दिया। इसे कहते हैं अपने सपने को पाने का पागलपन दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये क्लियरली देख सकते हो, एक जुनून का पावर, एक माँ की पॉजिटिव अफर्मेशन का जादू और अपने सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत शक्ति को, जिसने विल्मा को इतनी पावर दी कि जो लड़की मरने वाली थी वहां से निकलकर वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई। दिस इज अ क्लियर साइंस जो हर एक इंसान के लिए काम करता है। चलिए दोस्तों अगली साइकोलॉजी को जानते हैं। दोस्तों अगली साइकोलॉजी है नेवर गिव अप एटीट्यूड। दोस्तों साइकोलॉजिस्ट ने हजारों सक्सेसफुल लोगों में ये कॉमन एटीट्यूड को नोटिस किया है, मगर नेवर गिव अप का मतलब ये नहीं होता कि आप एक काम में अगर फेल हो रहे हो तो उसे एक ही तरीके से करते रहो और बोलते रहो कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट नेवर गिव अप का मतलब ये बताते हैं कि भाई अगर आप एक काम में फेल हो रहे हो तो आपको उस काम को या अपने सपने को बदलने की जरूरत नहीं है, मगर आपको अपने काम करने के तरीकों को बदलने की जरूरत है। और यही चीज एक सक्सेसफुल इंसान करता है और इसी वजह से वो सफल भी हो पाता है। चलिए दोस्तों इसी चीज को हम जरा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक पागल इंसान था जो इस दुनिया में अंधेरे को मिटाने के लिए एक उपकरण बना रहा था। जब उसने लोगों को ये बात बताई तब सब लोग उस पे हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, मगर उस इंसान की सोच थोड़ी अलग थी, दिमाग में थोड़ा पागलपन था, इसलिए वो पागलों की तरह अपना आविष्कार बनाने में लगा रहा। उसने एक बार प्रयोग किया, वो फेल हो गया। उसने फिर से नया तरीका अपनाया, मगर वो फिर से भी फेल हो गया। उसने दोबारा अपने आविष्कार में कुछ बदलाव किए और फिर से कोशिश की, मगर वो फिर भी फेल हो गया। उसने एक बार प्रयोग किया, दो बार प्रयोग किया, 100 बार प्रयोग किया, मगर हर बार उसे नाकामयाबी ही मिली। मगर वो एक जिद्दी और पागल इंसान था तो उसने कभी हार मानी नहीं। उसने अपने फेल हुए प्रयोगों को निरीक्षण किया और फिर से नए प्रयोग करने लगा। उसके सर पे सफलता का पागलपन इस कदर चढ़ गया था कि उसने ना दिन रखी ना रात, वो प्रयोग करता रहा। उसने प्रयोग करने के तरीके बदले, मगर कभी भी अपने प्रयोग करना नहीं छोड़ा। वो फेल होता गया और अपनी गलतियों को सुधारता गया। अब आप इसे पागलपन कहो या सफल होने की जिद, मगर वो इंसान तब तक नहीं रुका जब तक कि उसने उस प्रयोग में सफलता हासिल नहीं कर लिया दोस्तों। और आखिरकार 9999 बार अपने प्रयोग में फेल होने के बाद उसे सफलता मिल ही गई और एक ऐसी चीज का आविष्कार हुआ जिसे आज हम बल्ब कहते हैं। तो दोस्तों वो पागल इंसान और कोई नहीं बल्कि द ग्रेट थॉमस अल्वा एडिसन थे, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार करने के बाद पूरी दुनिया में अपने पागलपन की मिसाल कायम की थी। उनकी जिद और पागलपन ने उन्हें दुनिया का सबसे महान आविष्कारक और धनवान व्यक्ति बना दिया था। तो दोस्तों अब आप जरा ध्यान से इस चीज को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि थॉमस ने कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ा, बल्कि थॉमस ने 9999 बार अपने काम को करने के तरीकों को बदला। और यही एक चीज आपको सक्सेसफुल बनने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो दोस्तों आप सबने ये देख ही लिया कि सफलता पाने के लिए थोड़ा पागल बनना पड़ता है, इस दुनिया की भीड़ से अलग जाकर सोचना पड़ता है, जो चीज आपने अभी तक नहीं की वो चीज करनी पड़ती है। और जिस दिन आपने अपने पागलपन, अपनी जिद, अपने जुनून का इस्तेमाल करना सीख लिया, उस दिन आपको इस दुनिया में सफल होने से कोई रोक नहीं सकेगा। फिर सामने कितनी भी तकलीफें हो, कितनी भी परेशानियां हो, आप सफल होने का रास्ता बना ही लोगे और उस दिन आप एक हिस्ट्री क्रिएट करके रख दोगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके अंदर भी ऐसा ही कोई पागलपन जिंदा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो हर हफ्ते देखने हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।